शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों तो आज दिनांक 24 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले यह कानून बना था कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होगी। अमरावती होगी दोस्तों लेजिस्लेटिव कैपिटल और विशाखापट्टनम होगी दोस्तों एक्सक्लूसिव कैपिटल और कुरनूल रहेंगी दोस्तों जुडिशियल कैपिटल। तो दोस्तों होंगी यह 3 आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम एक्सक्लूसिव कैपिटल दोस्तों और अपनी अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी विशाखापट्टनम दोस्तों। और दोस्तों अब इस कानून को निरस्त करने की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है दोस्तों। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक ही कैपिटल होंगी वो है अमरावती। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। यह रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है दोस्तों। पातालपानी रेलवे स्टेशन अभी इसका नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया है दोस्तों। और दोस्तों तांत्यामामा यह मध्य प्रदेश के एक डाकू थे। यह एक ऐसे डाकू थे दोस्तों, डकैत थे, जो कि लोगों के विचार में इनकी एक पॉजिटिव इमेज थी, इसीलिए इन्हें वीर व्यक्ति भी कहा जाता है दोस्तों और इनको रॉबिनहुड भी कहा जाता था। यह डकैत तो थे पर यह लूटा हुआ धन गरीबों में भी बांट देते थे। अब दोस्तों इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। और दोस्तों एमपी के इंदौर में बस स्टेशन का भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में वेनेजुएला देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। 8573 म्यूजिशियनों ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वेनेजुएला देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों कराकस और यहाँ की करेंसी है वेनेजुएला बोलिवियर और यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों निकोलस मडारो जी। तो हाल ही में वेनेजुएला देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। यह एक थीम बेस्ड ट्रेन होंगी दोस्तों। यह टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होंगी, जैसे कि सिखों की संस्कृति को जोड़ने के लिए, सिखों की संस्कृति के विभिन्न स्थानों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन शुरू करेगी और भगवान श्री राम जी के स्थानों को जोड़ने के लिए रामायण ट्रेनें शुरू करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों यह होंगी भारत गौरव ट्रेनें। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहे जाने वाले नोवी कपाड़िया जी का निधन हुआ। तो दोस्तों नोवी कपाड़िया जी यह लेखक और फुटबॉल के कमेंटेटर थे। इनकी एक बुक भी बहुत फेमस थी दोस्तों, बेयर फुट टू बूट्स, बहुत फेमस हो गई थी दोस्तों यह बुक। और यह फुटबॉल की कमेंट्री करते थे, इसीलिए इनको फुटबॉल की आवाज़ के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों यह नोवी कपाड़िया जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में यह लंबे समय तक प्रोफेसर भी रह चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय फुटबॉल के आवाज़ कहे जाने वाले नोवी कपाड़िया जी का निधन हुआ दोस्तों। वह लेखक और एक फुटबॉल के कमेंटेटर थे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में लेजेंड्स लीग क्रिकेट की मेज़बानी ओमान देश करेगा दोस्तों। तो दोस्तों लेजेंड्स लीग क्रिकेट यह पूर्व क्रिकेटरों की एक लीग होंगी। इसके उद्घाटन सत्र की मेज़बानी ओमान करेगा दोस्तों। हाल ही में लेजेंड लीग क्रिकेट की मेज़बानी ओमान देश करेगा। तो बात अभी ओमान की है। ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अल सलवाडोर देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों मैं अल सलवाडोर देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी की घोषणा की है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अल सलवाडोर देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया था दोस्तों। इसी के उपलक्ष्य पर हाल ही में अल सलवाडोर देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है दोस्तों। अल सलवाडोर की राजधानी है दोस्तों सन सलवाडोर और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है नायब वुकुले जी। तो हाल ही में अल सलवाडोर देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई। तो दोस्तों स्टार कुश्तीपटु और टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर बजरंग पुनिया जी ने अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप का उद्घाटन किया दोस्तों नई दिल्ली में। और दोस्तों यहाँ पे बजरंग पुनिया जी चीफ गेस्ट यानी कि प्रमुख अतिथि के रूप में आए थे।
अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में रूमेन रादेव जी ने बल्गेरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव पुनः जीता है। तो दोस्तों इनको बल्गेरिया देश के राष्ट्रपति एक और बार फिर से चुना गया दोस्तों रूमेन रादेव जी को। तो दोस्तों रूमेन रादेव जी ने फिर से एक बार यह राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है दोस्तों। तो बात अभी दोस्तों बुल्गेरिया की है। बुल्गेरिया की राजधानी सोफिया और यहाँ की करेंसी है दोस्तों बुल्गेरिया लेव। और यहाँ के अभी अभी प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया था जो कि पुनः नियुक्त हो गए थे, पुनः चुनाव में जीत के आए थे, जो कि है रूमेन रादेव जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अनिता देसाई जी को टाटा लाइफ लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लेखिका अनिता देसाई जी को टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह एक बहुत फेमस लेखिका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अनिता देसाई जी लेखिका जी को टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सैयद अकबरुद्दीन जी ने अपनी नई किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों बहुत ही फेमस लेखक है दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन जी ने। अभी हाल ही में उनकी नई किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक को लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में ओडिशा राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया दोस्तों। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है दोस्तों यह बोईता बंदना महोत्सव। तो हाल ही में ओडिशा राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे स्टडी होगी दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, आविष्कार होंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होंगी दोस्तों IIT गुवाहाटी में। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि IIT मद्रास में सेफ्टिंग टैंक की सफाई के लिए होमोसैप नामक रोबोट भी डेवलप किया था दोस्तों। तो हाल ही में IIT गुवाहाटी में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक दौरान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। इस बहादुरी के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। और दोस्तों पुलवामा अटैक में शहीद होने वाले मेजर विभूति शंकर तोडियाल जी को, उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था, उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी को वीर चक्र और मेजर विभूति शंकर तोडियाल जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीती। तो दोस्तों अभी कर्नाटक क्रिकेट टीम को हराकर तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को अपने नाम किया है दोस्तों। तो दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज़ इन द क्रिकेट वर्ल्ड दोस्तों, इन इंडियन क्रिकेट BCCI दोस्तों। तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीती है दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 24 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। चलिए दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और हाल ही में वेनेजुएला देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में अपने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। और हाल ही में भारतीय फुटबॉल के आवाज़ कहे जाने वाले नोवी कपाड़िया जी का निधन हुआ। हाल ही में लेजेंड्स लीग क्रिकेट की मेजबानी ओमान देश करेगा। हाल ही में अल सलवाडोर देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की। हाल ही में अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हुई। हाल ही में रूमेन रादेव जी ने बल्गेरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव पुनः एक बार जीत लिया। हाल ही में अनिता देसाई जी को टाटा लिटरेचर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में सैयद अकबरुद्दीन जी ने अपनी नई किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य में बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया। हाल ही में IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और मेजर विभूति शंकर तोडियाल जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को तमिलनाडु राज्य ने जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है दोस्तों यह ट्रॉफी को। तो दोस्तों यह थे 24 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई की 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।